बनासकांठा बहुजन समाज पार्टी ना जिला अध्यक्ष पी आर सोलंकी अनव कार्यकरों द्वारा हाथरस में बनेल दलित समाज की दीकरी की घटना ने नवा सखत शब्दों में वखोड़ी डीसा प्रांत कचेरी आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं, जेमां हालमां वधी रहेला दरेक राज्यमां दीकरीओ पर बनावने लई सरकार चिंतित बनीने कड़क कार्यवाही करवामां आवे तेवी उग्र मांग साथे आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं। अवनवी जी घटनाओं बनी रही है, बलात्कार, अत्याचार, मर्डर, आवी घटना बनवा पर जो देखाई आए कि भारत देश की कायदो व्यवस्था खतरी है। एम खास कर उत्तर प्रदेश में उपरा छापरी जो बलात्कार की घटना, गैंगरेप की घटना बनी है, एना जवाबदार सरकार है। सरकार तात्कालिक कार्यवाही नहीं करी और तात्कालिक कार्यवाही करवी जी। हाल में जे एसपी जे डीएम निवेदनों आए निंदा लायक है। हमें मलती महती मुजब एसपी और डीएम ने सस्पेंड कर सस्पेंड नहीं डिस्पेच कर, कारण के एमने पुरावा नाश करो है, एमने डिग्री ने सड़गाई नाखी है लाश ने, एटले एमने पुरावा नाश करो क्या क्या एने पर गुनो करे एम पर कायदेसर कार्यवाही थी जुए ये जेल में जाव जुए। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ये राजीनामु आपव जुए और देश वडाप्रधान ने शरम शरम जो हो तो राजीनामु आपव जुए, तात्कालिक धोरण राजीनामु आपे। हम अमरा बीएसपी सुप्रीमो बेन जी मायावती जीए पण कह्युं हतुं કે યોગીજીનું કામ મઠમાં છે, સંસદમાં નથી, એ પણ મઠમાં પહોંચે, રાજીનામું આપી અને જલ્દી જલ્દી મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપે એવી અમારી માંગ છે। અને સાથે સાથે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પણ રાજીનામું આપે, કારણ કે વકીલની હત્યા થઈ હતી અને અહીંયા પણ કાયદો વ્યવસ્થા કથરી રહી છે, એટલે અત્યારે જે ભાજપની સરકાર છે તો અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે અને જલ્દી જલ્દી રાજીનામું આપે એવી અમારી માંગ છે।